हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी गाड़ी के लिए कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास अपनी गाड़ी बलिनों के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी पड़ी है इस टाइम पे। इसको क्लीन करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास ये वाला एक माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज। ठीक है, ये मैं एक्सटीरियर क्लीनिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे सोप वगैरह अप्लाई करने के लिए, या फिर जैसे नॉर्मल बिना सोप के क्लीन करने के लिए भी ये मेरे बहुत काम आता है। ठीक है, उसके साथ है मेरे पास ये 800 GSM का माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ठीक है, ये भी मेरे को एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों क्लीन करने के लिए बहुत काम आता है। फिर है मेरे पास ये वाली 3M की अल्टीमेट ड्रेसर पॉलिश है। ये बेसिकली अलॉयज़ में जो ये वाला एरिया होता है, या टायर्स में ये वाला एरिया होता है, इसे शाइन करने के लिए ये काम आता है। और जितने भी हमारे पास ये प्लास्टिक ट्रिम्स होती हैं, जैसे ये प्लास्टिक ट्रिम है, ये है, ठीक है, नीचे ये जो डोर पे लगी हुई है प्लास्टिक के ट्रिम्स, ये वाले एरिया हैं। आगे जो हमारे पास ये जाली है, इसकी ग्रिल है, इसको भी क्लीन शाइन करने के लिए ये काम आती है। ठीक है, और इंटीरियर भी डैशबोर्ड, डोर्स वगैरह सारा कुछ शाइन करने के लिए काम आता है। फिर मेरे पास है ये वाला नॉर्मल ब्रश। ये तो एक पुराना पेंट ब्रश है, जैसे मैं अंदर डस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे डैशबोर्ड वगैरह में से मिट्टी वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, फिर ये तो आप देख कर ही समझ गए होंगे। ये जो आगे मिरर, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता है, मिरर और डैशबोर्ड के बीच में एरिया होता है, वो वाला एरिया क्लीन करने के लिए, और अंदर से विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए काम आता है। ये इतना ज़्यादा काम नहीं आता है वैसे बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली। ये एक वैक्यूम क्लीनर है, ये थोड़ा हैवी ड्यूटी गाड़ी का वैक्यूम क्लीनर है, जो 12 वोल्ट की सॉकेट में लग जाता है। ठीक है, इससे सारे अंदर जो हमारा जो जितनी भी डस्ट होती है, वो सब क्लीन करने के लिए हमारे ये काम आता है। और लास्ट में है मेरे पास ये स्क्रैच रिमूविंग क्रीम, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो अलग से भी दिखाई है, जिसके अंदर मैंने ये सैंड पेपर का भी यूज़ करा है, अपनी ऑल्टो गाड़ी के स्क्रैचेस को मिटाकर दिखाया था। ठीक है, ये भी 3M की नहीं है, मोटो मैक्स की एक 2K रबिंग एंड पॉलिशिंग कंपाउंड है। ठीक है, ये एक्सटीरियर मतलब जो बॉडी पैनल्स हैं उनको शाइन करने के लिए काम आता है। तो फ्रेंड्स, इंटीरियर के लिए हमारे पास ये चीज़ें होगी, और एक्सटीरियर के लिए हमारे पास ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ों को यूज़ करके गाड़ी बिल्कुल जैसे सर्विस सेंटर वाले क्लीन करते हैं, वैसे क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, ये क्लॉथ और ये वाला स्पॉन्ज। ये मैं मार्केट से लेकर आया था, ये भी मार्केट से लेकर आया था, ये भी मैं मार्केट से लेकर आया था। ये ब्रश तो अब नॉर्मल मिल ही जाता है। ये वैक्यूम क्लीनर भी मैं सजेस्ट करूँगा आप मार्केट से ही लाइए, क्योंकि गारंटी वगैरह मिलती है इसके साथ में, तो वो क्लेम करना इजी हो जाता है। और ये वाला भी मैंने माइक्रोफाइबर वाला ये विंडशील्ड क्लीनर, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट्स के लिंक डाल दूँगा आपको। ठीक है, बाकी आप मेरी दूसरी वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें मैं क्लीन करना भी सिखाऊँगा कि कैसे हम गाड़ी को इन प्रोडक्ट से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।